व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक्सपीडाइट सिस्टम के बारे में इतना अच्छे तरीके से इसका नॉलेज आपको दूंगी कि ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर दे पाओगे जिसका ताल्लुक एक्सपीडाइट सिस्टम के साथ होगा। हम सबको पता है कि ये सिस्टम टेबल टेनिस में लागू होता है। और टेबल टेनिस में ये क्यों लागू होता है, अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड में कहूँ ये सिस्टम क्या है, तो ये क्विक गेम एंडिंग सिस्टम है। क्विक गेम एंडिंग सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी गेम को जल्दी से ख़त्म कर दे, इस सिस्टम को कहते हैं एक्सपीडाइट सिस्टम। ये सिस्टम क्यों लगाया जाता है, वजह क्या है? टेबल टेनिस की गेम को कई बार ऐसा भी हुआ था कि एक घंटा दो घंटे तक एक पॉइंट भी नहीं बन पाया था। एक मैच हुआ था पोलैंड और रोमानिया का, जिसमें एक पॉइंट के लिए पूरा दो घंटे गेम चली थी। तो जब कोई गेम एक घंटा ना चल सके, दो घंटे ना चल सके, इसके लिए 2001 के अंदर एक रूल को इम्प्लीमेंट कराया गया। उस रूल को 2001 में इम्प्लीमेंट कराया गया कि टेबल टेनिस में कोई भी मैच जो है, कोई भी गेम जो है, जो 11 पॉइंट्स की गेम होती है, वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि 10 मिनट के अंदर गेम को ख़त्म करवाना ही करवाना है। अगर कोई गेम 10 मिनट्स के अंदर ख़त्म नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर एक सिस्टम लागू होगा जिसका नाम है एक्सपीडाइट सिस्टम। हम सब जानते हैं कि टेबल टेनिस की गेम 11 पॉइंट्स की होती है, बात सब जानते हो ना आप लोग। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपीडाइट सिस्टम जो है वो लागू कब होगा, ऐसे कौन से दो रूल हैं जो अगर किसी गेम के ऊपर लागू हो सकते हैं तो फिर ही एक्सपीडाइट सिस्टम जो है वो हम किसी गेम में शामिल कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर कोई गेम, पहला रूल तो ये है, अगर कोई गेम 10 मिनट गुजर चुके हैं, 10 मिनट्स गॉन, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाई, तो फिर तो क्या होगा, सिस्टम लगाना पड़ेगा। पहला रूल तो ये है कि 10 मिनट्स तक गेम ख़त्म नहीं हुई, सही हो गया, गेम फिनिश नहीं हुई लेकिन 10 मिनट गुजर चुके हैं। पहली बात तो ये है इस सिस्टम को लगाने के लिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इफ़ बोथ प्लेयर्स, अगर दोनों प्लेयर्स स्कोर नॉट इक्वल या नॉट रीच टू 18, अगर 18 स्कोर दोनों का स्कोर, अगर हम मिलाएं ना दोनों प्लेयर्स का स्कोर हम ऐड करें, तो 18 स्कोर ना बन पाए, तो क्या होगा, हम अब लगा सकते हैं एक्सपीडाइट सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, टीम ए और टीम बी, हमारे पास दो टीम है, टीम ए का स्कोर है 9 और टीम बी का स्कोर भी 9, अगर हम 9-9 को ऐड करें तो 18 बनता है, 18 बनता है। इसका मतलब यह है क्या एक्सपीडाइट सिस्टम लग सकता है, नहीं लग सकता, क्योंकि इन दोनों का स्कोर 18 है और हमारा रूल कहता है अगर 18 स्कोर नहीं होगा तो फिर ही लगेगा एक्सपीडाइट सिस्टम। लेकिन यहाँ तो दोनों का स्कोर 18 है, अगर टीम ए का 10 और टीम बी का 8 हो तो कितना बनता है, 18। तो अब भी क्या एक्सपीडाइट सिस्टम लग सकता है, अभी भी नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों प्लेयर्स का यकसा स्कोर 18 है और हमारा रूल कहता है कि 18 स्कोर नहीं होना चाहिए, 18 स्कोर नहीं होना चाहिए अगर आप लगाना चाहते हो एक्सपीडाइट सिस्टम। दोनों प्लेयर्स का स्कोर ऐड करके अगर 18 स्कोर बन रहा है तो हम नहीं लगा सकते एक्सपीडाइट सिस्टम। तो इसके, अगर फॉर एग्जांपल टीम ए का 8 स्कोर है, टीम बी का भी 8 है, तो 16 बनता है, अब हम लगा सकते हैं एक्सपीडाइट सिस्टम, क्योंकि स्कोर 18 से कम है, 16 है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि दो असूल हैं, एक तो 10 मिनट्स गुजर चुके हैं गेम ख़त्म नहीं हुई, और दूसरा रूल ये है कि दोनों प्लेयर्स का स्कोर अगर हम ऐड करें तो 18 स्कोर ना बन रहा हो। तो ये दो रूल हैं जिनके लिए एक्सपीडाइट सिस्टम हम लागू कर सकते हैं। अंपायर लागू करेगा या प्लेयर कहेगा, खुद कहेगा कि सिस्टम को लागू करवा दिया जाए, तो सिस्टम को लागू करवा दिया जाएगा। दो रूल हैं इस सिस्टम को लागू करने के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन अब नेक्स्ट जो बात है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सिस्टम लागू हो जाए तो फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएं, इसको कैसे, जैसे ये हमारे पास, हम समझते हैं कि ये लागू हो चुका है, हमारे पास एक गेम स्टार्ट है कि हमारे पास सिस्टम लागू हो चुका है, हमारे दो प्लेयर खेल रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि टेबल टेनिस के अंदर 2 कंजेक्टिव सर्व्स मिलती हैं। कोई प्लेयर, जो हर प्लेयर सर्व करता है वो 2 बार कंजेक्टिव सर्व करता है, ये रूल है टेबल टेनिस का। लेकिन एक्सपीडाइट सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, 2 कंजेक्टिव सर्व नहीं मिलती। जब सिस्टम लागू हो जाए एक्सपीडाइट सिस्टम, तो फिर एक सर्व मिलती है, हर प्लेयर सिर्फ एक बार ही सर्व करता है अगर एक्सपीडाइट सिस्टम लागू हो जाए। अगर सिस्टम लागू ना हो तो फिर क्या होगा, 2 सर्व करेगा हर प्लेयर, ये बात भी अपने दिमाग में फिक्स कर ले। अब हम फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है ये सर्वर है, और हमारा जो सिस्टम है
एक्सपेडाइट सिस्टम वो लागू हो चुका है और ये बंदा रिसीवर है, ठीक हो गया। ये अभी नॉर्मल गेम नहीं कर रहे, अभी ये एक सिस्टम के अंदर है जिसको हम कहते हैं एक्सपेडाइट सिस्टम। अगर रिसीवर 13 बाल बॉल वापस भेज दे सर्वर को तो इसको एक पॉइंट मिल जाएगा रिसीवर को, अगर रिसीवर 13 बार बॉल को वापस भेज दे सर्वर को, ठीक हो गया, विदाउट एनी गलती किए तो रिसीवर जो है उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर सर्वर पॉइंट जीत जाए, रिसीवर 13 बार बॉल को वापस ना भेज पाए, तो फिर क्या होगा, सर्वर को पॉइंट मिल जाएगा। इतनी छोटी सी बात है जो आपने समझनी है सिस्टम के बारे में। 13 बार बॉल को जो बंदा, अगर रिसीवर 13 बार बॉल को वापस भेज देता है तो उसको एक पॉइंट मिल जाता है, और अगर रिसीवर 13 बार बॉल को वापस नहीं भेज पाता तो उसको पॉइंट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर रिसीवर पॉइंट जीत जाता है, रैली वन कर जाता है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, रिसीवर बन जाएगा सर्वर और सर्वर बन जाएगा रिसीवर, ठीक हो गया। यहाँ तक ये बन गया रिसीवर, क्योंकि पहले ये सर्वर था लेकिन ये रैली हार गया, अब ये बन गया रिसीवर, और जो रैली जीता था वो बंदा बन जाएगा सर्वर। अब अगर हमारा रिसीवर 13 बार बॉल को वापस भेज देता है तो इसको पॉइंट मिल जाएगा, और जब इसको पॉइंट मिलेगा तो फिर क्या होगा, अब ये दोबारा से बन जाएगा सर्वर और ये बन जाएगा रिसीवर। जो बंदा भी रैली जीतेगा उस वो बन जाएगा सर्वर, और जो बंदा रैली हार जाएगा बन जाएगा रिसीवर। और अगर रिसीवर 13 बार बॉल को वापस भेज दे तो वो जीत जाएगा पॉइंट, ठीक हो गया। अब देखिए, जो ये सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपीडाइट सिस्टम, ये गेम के एंड तक रहेगा। ये जिस गेम में भी लगता है, चाहे वो पहली गेम हो, दूसरी गेम हो, तीसरी गेम हो, जिस गेम में भी लगे वो एंड तक रहेगा, जब तक वो गेम ख़त्म नहीं हो जाती। अब मैं आपके साथ एक मैच का एक माहौल बनाती हूँ। जैसे ये प्लेयर है, इसका 8 स्कोर है और उस प्लेयर का 9 स्कोर है, ये दोनों प्लेयर के स्कोर जा रहे हैं, और हम क्या करते हैं, हम इस सिस्टम को लगा देते हैं जिसका नाम है एक्सपीडाइट सिस्टम। अब इनके स्कोर कैसे चेंज होंगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो प्लेयर है, ये सर्वर है, ये जो है सर्विंग करता है, और ये बंदा रिसीवर है, ये रिसीव करेगा बॉल को। जो बंदा भी गलती करेगा ना, उसके पॉइंट चले जाएंगे और दूसरे को पॉइंट मिल जाएगा। और सर्वर 13 बार बॉल को 13 बार सर्वर फेंकता है बॉल, और रिसीवर का पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, रिसीवर 13 बार बॉल को वापस भेजता है, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, उसका 10 स्कोर हो जाएगा। और जब वो पॉइंट जीतेगा तो वो क्या बन जाएगा, सर्वर, ठीक हो गया। यानी अब नेक्स्ट रैली स्टार्ट होगी, पहले क्या था कि उसका 9 स्कोर था, अब उसका स्कोर 10 हो चुका है, वो क्या बन चुका है, सर्वर। अब नेक्स्ट रैली स्टार्ट होगी, और अगर हमारा रिसीवर जो है वो पॉइंट जीत जाता है, वो 13 बार बॉल को वापस भेज देता है, तो अब क्या होगा, अब इसको एक पॉइंट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, जो हमारा रिसीवर है वो बन जाएगा सर्वर, ठीक है, क्योंकि उसने रैली वन किया है, तो जो हमारा सर्वर है वो बन जाएगा रिसीवर, और जिस बंदे ने रैली वन की है वो बन जाएगा सर्वर, और जिस बंदे ने रैली वन नहीं की वो बन जाएगा रिसीवर। तो ये बस आपने दो बातें याद रखनी है, जो बंदा भी रैली वन करेगा वो बन जाएगा सर्वर, और जो बंदा भी रैली वन नहीं करेगा वो बन जाएगा रिसीवर। और जो प्लेयर भी 13 बार बॉल को वापस भेजने में कामयाब हो जाएगा, अगर रिसीवर, तो रिसीवर को पॉइंट मिलेंगे, और अगर सर्वर इस दौरान कोई गलती करता है तो फिर भी रिसीवर को पॉइंट मिल जाएगा। जो बंदा भी गलती करेगा उसके ओपोनेंट को पॉइंट मिलेगा। और दूसरा रूल ये है कि जो रिसीवर है वो 13 बार अगर बॉल को वापस भेज दे तो उसको पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह इनकी गेम जारी रहती है, जो हमारा रिसीवर है उसके 11 स्कोर हो जाते हैं, और हमारा जो सर्वर है उसके 9 स्कोर हैं, और गेम अब एंड हो जाएगी, क्योंकि 2 कंजक्टिव पॉइंट्स की बढ़तरी हो चुकी है। टीम ए के स्कोर 11 है और टीम बी के स्कोर 9 है, तो 2 कंजक्टिव पॉइंट्स की बढ़तरी हो चुकी है, टीम बी के स्कोर 9 है, तो यहाँ पे 2 कंजक्टिव पॉइंट्स जो हैं उनकी बढ़तरी है। इसी तरह जो टीम ए है वो गेम वन कर जाएगी, और ये वाला जो सेट है वो टीम ए जीत चुकी है, और जो हमारा एक्सपीडाइट सिस्टम है वो यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा, क्योंकि गेम ख़त्म हो चुकी है। तो ये होता है एक्सपीडाइट सिस्टम। मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की कि क्या सिस्टम है ये, कैसे इसमें पॉइंट मिलता है, कैसे रिसीवर जो है उसने 13 बार बॉल को वापस भेजना होता है, इस दौरान जो बंदा भी गलती करेगा उसके ओपोनेंट को स्कोर मिल जाएगा, और उसको जो पॉइंट जीतेगा उसको सर्विंग करने का हक मिल जाएगा। इतनी सी बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है आपने।